अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो सब? ठीक ठाक हैं? मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। मैं आपका उसामा अंतोनियो। ये आज बहुत सवाल आ रहे हैं कबूतरों के बारे में, तो कबूतर के बच्चे को क्या खिलाया जाए और कैसे ट्रेन किया जाए, किस एज में अपने पास कबूतर रखें। ये एज आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो बाल हैं ये येलो कलर के पीले, तो ये जो बच्चे के ऊपर हों बाल तो आप उठा सकते हैं। इस एज का बच्चा ये देखें, इस एज का आप बच्चा उठा सकते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं तो कबूतर के बारे में, ये तो आप कबूतर को क्या खिलाएं और कैसे ट्रेन करें और किस नस्ल के कबूतर को क्या खिलाएं। मतलब ये देखें, ये शोपीज़ है, ठीक है, ये आम नस्ल है, ये उड़ने वालों में से नहीं है। अगर ये उड़ने वालों में से होता, पट्टी वाला कबूतर जो उड़ने वाले होते हैं, प्रवास के कबूतर होते हैं, ये देखें, ये रेसर है। और ये भी मेरे पास एक और नस्ल है माशाल्लाह, शोपीज़ है। इसके पाँव पे देखे बाल। तो मौजू चल रहा था कबूतर छोटे बच्चों का, ये भी माशाल्लाह बड़ा हो गया नर, पहले छोटा था, इस एज का था तो मैंने उठाया था। तो ये देखें, ये जो नस्ल है इसको बाजरा आप दे सकते हैं। अगर ये रेसर नस्ल होता तो आप इसको जो काले चने होते हैं वो खिला सकते हैं, इसको बाजरा दे सकते हैं। ये होता है बाजरा, ये आप मुंह से भी दे सकते हैं इसको और अपने हाथ से भी खिला सकते हैं, या फिर कोई सिरिंज वगैरह लें उसमें सेरेलिक भी इसको दे सकते हैं। इसको काफ़ी जो चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह गंदम खाएगा और भी चीज़ें खुद ब खुद खाएगा। तो अभी इसको जो देने का तरीका है, आप इसको मुंह से खिला सकते हैं, बाजरा मुंह में डालकर फिर अपनी ज़बान से थोड़ा इसके मुंह में डालोगे, इसका जो चोंच है इसको खोलोगे आप, फिर तो फिर इंशाल्लाह ये खुद ब खुद खाएगा। और पानी जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ किस से पिलाना है। ये जो होती है ना सिरिंज, इससे आपको पानी पिलाना है सिरिंज से। ये तो बड़ी है बहुत, इससे छोटी हो तो बेहतर होगा। तो इससे आपको पानी भी पिलाना है कबूतर के बच्चे को और बाजरा मुंह से खिलाना है। तकरीबन इसको तीन टाइम चार टाइम खिलाना है। और बात मेरी गौर से सुने कि इस कबूतर को, मतलब कि आपने दाना खिलाया, ठीक है, दाना बहुत खिलाया, इसका पेट भर गया, फिर एक घंटे दो घंटों के बाद आपने इसको दोबारा दाना खिलाया तो इसको बदहजम होगा, ये बीमार हो जाएगा। कोशिश करें जब इसको दाना खिलाएं तो इसको ये जो पेट है चेक करें कि इसके पेट में कुछ भी नहीं है, फिर इसके बाद इसको दाना खिलाएं। बाजरा तीन से चार टाइम खिलाएं और खिलाने वक्त सीटी वगैरह लगाएं, इसको ऐसे ऐसे हाथ करें ताकि इसको एहसास हो जाए मेरा मालिक के मुझे बुला रहा है। ये फिर बड़ा हो जाएगा थोड़ा, फिर इसको विसिल मारोगे आप ऐसे तो इंशाल्लाह आपके पीछे आएगा। ये तो पहला पार्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ दाना वगैरह खिलाने का तरीका, तो क्या खिलाया जाए वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें ताकि इंशाल्लाह न्यू वीडियो आपको मिल सके। मैंने ये ख़ास करके आपके लिए बच्चा लिया है तो आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग बता सकूँ। काफ़ी जो लोग हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग बताओ ट्रेनिंग बताओ। इंशाल्लाह लाज़िम आप कमेंट्स करें, जिस कमेंट्स पे हम आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे, और जो जो सवाल आप करते हैं इंशाल्लाह उस सवाल पे आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे। और मेरे पास टोटल अभी तीन हैं कबूतर और केज माशाल्लाह बहुत हैं अभी, तो और कबूतर मैं अपने पास अभी नहीं रख रहा हूँ, टाइम की वजह से टाइम नहीं है। तो इसको आप बाजरा खिला सकते हैं तीन चार टाइम, उसके बाद आपको इसको खिलाने के बाद इसको 10 cc पानी पिलाना है या 5 cc पानी, ठीक है, और विसल वगैरह मारनी है। ये देखो आज अभी ले आया हूँ इसको, तकरीबन 5 मिनट हुए। ये देखो ये पानी है ना, इसमें हाथ डालकर थोड़ा सा इसको पानी लगाओगे चोंच पे, ये देखो पी रहा है। और याद रखें अंधेरे में इसको रखें, बच्चा छोटा होता है अंधेरा, ये बिल्कुल अंधेरा है, स्टोर है मेरा छोटा सा रूम है, इसमें कबूतर रखता हूँ, ये अंधेरा है बिल्कुल, तो इसलिए कबूतर आपसे ज़्यादा सेट हो जाएगा, ज़्यादा बाहर ना रखें। इसको देखो पानी कैसे पी रहा है, इंशाल्लाह
आज इसको तकरीबन 5 मिनट हुए मेरे पास आए, इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा आपको कैसे आ रहा है, कैसे परफॉर्मेंस है इसकी। तो वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह और भी बनाएंगे, इसको कैसे केज से बाहर निकाला जाए, कितने टाइम निकाला जाए, कैसे हाथ पे आए, सारी तरतीब इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो मुकम्मल देखें और जो मैं रखूँगा वीडियो वो भी आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।